नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग? हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छा होंगे। दोस्तों आज मैं आपको एक नया सीख देने वाला हूं दोस्तों कि अपने मोबाइल से 3D पोस्टर कैसे बनाएं। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल टेक्नो राजा पे। दोस्तों आज आपको मैं बताने वाला हूं कैसे अपने मोबाइल से 3D पोस्टर बनाएं, साइट सॉन्ग का पोस्टर बनाएं दोस्तों, कैसे अपने सर पे ब्लर लगाएं, कैसा क्या क्या करें दोस्तों, मैं आपको आज बताने वाला हूं। ऐसा आपको कोई नहीं बताया होगा दोस्तों। अभी तक आप बने रहिए मेरे चैनल पे टेक्नो राजा पे। दोस्तों आपको बता दूं, अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिए दोस्तों। हाँ दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ आज कि अपने मोबाइल से 3D पोस्टर कैसे बना दोस्तों, वो भी 3D लिखावट में दोस्तों, पूरा फुल HD दोस्तों। तो दोस्तों हम चलिए बताते हैं आपको कैसे बना दोस्तों। यहाँ से हम बैक कर लेते हैं, बैक करना दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो है ब्लेंडी कॉलिंग लिखा हुआ है, इसको हम ओके कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ ओके करने का दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं क्रेडिट कॉलिंग लिखा हुआ है, इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ओके करना दोस्तों हमें यहाँ बैकग्राउंड है तो हमें इसका बैकग्राउंड थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ चेंज कर देंगे। फिर ऐड में जाएंगे दोस्तों, ऐड में जाएंगे तो फोटो में जाएंगे, फोटो में जाएंगे दोस्तों मैं आप दिखा दूँ कि यहाँ से हमें ब्लेंडी में जाना है दोस्तों। यहाँ से हम एक फोटो ले लेंगे दोस्तों, क्योंकि जो फोटो मैं यूट्यूब का स्क्रीन शॉट खींच के रखा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ 16:9 का है दोस्तों, ये आपको यूट्यूब के लिए है, क्योंकि हमें यूट्यूब का पोस्टर बनाना है तो यूट्यूब का ही साइज लगेगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, एक दिखाने के लिए है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये हो चुका है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, फिर से ऐड में जाना और यहाँ जाकर फोटो हमें लेना है दोस्तों। हम फोटो कहाँ से लेंगे, जो मैं फोटो काट के रखा हूँ वहाँ से वो फोटो को ले लेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ से, मैं बता दूँ आपको कि मैं यहाँ पर एक फोटो मैं अपना काट के रखा हूँ दोस्तों। यहाँ से मैं अपना फोटो ले लेता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर मैं फोटो अपना ले लिया हूँ। फोटो लेने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से फोटो थोड़ा सा बड़ा कर देना है, बड़ा कर देता हूँ उसको दोस्तों। हमें क्या करना है, एक और फोटो इसमें लगाना है दोस्तों। हम फोटो साइड सॉन्ग अगर बना रहे हैं दोस्तों तो हमें फोटो कैसा लगाना पड़ेगा दोस्तों, साइड सॉन्ग के लिए हमें साइड फोटो ही लगाना पड़ेगा दोस्तों। हम यहाँ से एक साइड फोटो ले लेते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक साइड फोटो ले लिया हूँ और यहाँ पर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लगा दिया। उसका दोस्तों हमें क्या करना है, अपना इसमें जो एल्बम का टाइटल रखना हो तो ये टाइटल रख लेंगे। फिर दोस्तों हम इसमें ही जाएंगे और दोस्तों मैं टाइटल बना करके ऑलरेडी रखा हूँ, आपको मैं बता दूँ कि मैं इस जैसे कैसे बनाया था, इसका मैं वीडियो बनाया हूँ इसके पिछले वीडियो में दोस्तों। तो अगर आपको देखना हो दोस्तों तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं दोस्तों, और इस अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कैसे बनाया जाता है दोस्तों, आप बना सकते हैं वहाँ से। तो मैं पहले से बना कर रखा हूँ, आपको दिखा दूँ दोस्तों। मैं यहाँ से बड़ा कर देता हूँ, जो मेरा एल्बम का नाम है दिल के दर्द, यहाँ से मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने का दोस्तों हमें क्या करना है, अभी अपना नाम रखना दोस्तों। हमें फिर ऐड में जाएंगे, ऐड में जाने का दोस्तों हमें यहाँ से बैक करने का दोस्तों, हमें जो फोटो है जो दिल का दर्द में जैसे कि जो फोटो लगाना है, अपना नाम लिखना दोस्तों। हमें यहाँ से नाम अपना लिख लेंगे दोस्तों, आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ से मैं अपना नाम ले लेता हूँ, यहाँ से अपना नाम ले लेता हूँ दोस्तों। और यहाँ से नाम दोस्तों, सॉरी मेरा इससे आधा नाम है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, पूरा फुल नाम ले लेता हूँ दोस्तों, कि इसमें सिर्फ संजीत राजा ही आया हुआ है, तो मेरे को संजीत कुमार राजा जी लेना है दोस्तों। यहाँ से हम ओके कर लेंगे, देखिए दोस्तों मेरा यहाँ पर नाम आ चुका है पूरा। तो हम इसे छोटा कर लेते हैं, क्योंकि जितना बड़ा रखना है वहाँ से इतना बड़ा रख सकते हैं, इसको छोटा हम कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं और दोस्तों यहाँ पे ला करके सेव कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए स्वर्ग संगीत राजा जी हो गया दोस्तों, यहाँ पे सेव कर देते हैं दोस्तों। हमको संगीतकार का नाम रखना है, जो भी आप जो भी आपका चॉइस है, जिसका भी नाम रखना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर रख सकते हैं। तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ से हम इसको ओके कर लेंगे और इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए मेरा राइटर और संगीतकार दोनों का नाम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, कोई भी देखेगा तो कहेगा कि हाँ इसका राइटर और संगीतकार का नाम रखा हुआ है दोस्तों। इसको हम थोड़ा अपना नाम जो है थोड़ा फ्रंट में बड़ा कर देते हैं, क्योंकि किसी को पता चलना चाहिए कि हाँ इस सिंगर का नाम है दोस्तों। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, अभी इसको हमें क्या करना है, लोगो लगाना दोस्तों। हमें लोगो लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, फोटो में जाकर फिर से वही जो लोगो में जहाँ काट के आप रखिएगा वहाँ से आप ले लीजिएगा दोस्तों। मैं तो पी कार्ड में रखा हूँ दोस्तों, मैं अपना पी कार्ड से लोगो ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ले लिया, आप देख सकते हैं लोगो मेरा आ गया है। तो इसको क्या करना है, छोटा कर देना है थोड़ा, और छोटा करना दोस्तों अपना जगह पे जहाँ बैठाना है आपको वहाँ बैठा सकते हैं, तो मैं यहाँ बैठा दिया हूँ, आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, तो हमें ब्लर लगाना है, अगर साइड सॉन्ग का है तो हमें ब्लर लगाना इसमें बहुत जरूरी है, तो सर में हमको ब्लर लगाना है दोस्तों। हमें क्या करना है, फोटो में जाना है और फोटो में जाने का दोस्तों हमें जो मैं ब्लर काट के रखा हूँ, मैं ब्लर ले लेता हूँ यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं ब्लर ले लिया हूँ और इसको यहाँ से काट लेता हूँ। तो ये ब्लर PNG नहीं, तो इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ, जैसे देख सकते हैं अब इतना काट लिया हूँ। काटने दोस्तों मैं यहाँ कहाँ इसको सेव करना पड़ेगा, सर पे अपना सेव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा सर मान गया कि साइड से होंगे तो सर फूटा होएगा ना दोस्तों, तो यहाँ पे सर पे सेट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, फिर से जाना है उसमें ही और ब्लड ले लेना है दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं आप, जो भी ब्लड है जिस तरह का ब्लड लगाना चाहते हैं उस तरह का ब्लड ले लीजिएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ से मैं ब्लड ले लिया हूँ और इसको मैं अपने गाल पर लगा देता हूँ, क्योंकि ऐसा चीना में गाल पर हो सकता है किसी का भी, तो दोस्तों यहाँ गाल पर लगा देता हूँ। और ब्लड ले, अगर आपको और लगाना है ब्लड कहीं से भी लेकर के और ब्लड लगाना है दोस्तों, तो यहाँ से आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ब्लड है, ब्लड यहाँ से ले लीजिएगा दोस्तों, आप देख लीजिए और यहाँ पे कहीं भी लगा दीजिएगा, जहाँ आपको लगाना है, कपड़ा पे लगाना है तो आप कपड़े पे लगा सकते हैं।
कपड़ा लगा दिया दोस्तों, और ब्लड लेना है, और आप चाहते हैं कि हम और ब्लड लेकर के इस पे लगाना चाहते हैं दोस्तों, अगर अपने नाम पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लगा दीजिएगा ऐसा, इसको यहाँ पे ही लगा दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे रहेगा ठीक रहेगा, यहाँ पे आप रख दीजिएगा। और इसका क्या करना है दोस्तों, इसका जो ये है उसका थोड़ा कम कर देना दोस्तों, यहाँ से हम जाएंगे कम कर देंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से हम इसको कम कर देते हैं, जो भी मेरा यहाँ से इसको कम कर देते हैं ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम देखिए ऑलरेडी कम हो चुका है मेरा, तो यहाँ से कम कर देंगे तो यहाँ अंदर चला जाएगा, ये क्या है अंदर चला जाएगा ठीक है दोस्तों। यहाँ से देखिए आप देख सकते हैं कि मेरा पोस्टर तैयार हो चुका है दोस्तों, 3D पोस्टर दोस्तों। इसका बैकग्राउंड हटाना है दोस्तों, हमें क्या करना है बैकग्राउंड हटाने के लिए, हमारे यहाँ इसको बैकग्राउंड को डिलीट कर देना है, डिलीट कर देंगे उसके बाद दोस्तों हम जाएंगे इसमें बैकग्राउंड में जाएंगे दोस्तों, गैलरी बैकग्राउंड में जाएंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि फिर हम डाउनलोडिंग में, जो डाउनलोडिंग करके जो हम बैकग्राउंड रखे हैं, और बैकग्राउंड के यहाँ से दोस्तों हम ले लेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से डाउनलोडिंग इसमें नहीं है, तो दूसरे डाउनलोड में हम जाना है, जिस डाउनलोड में अपना बैकग्राउंड होगा दोस्तों वहाँ से आप जा करके ले लीजिएगा। मैं अपना बैकग्राउंड ले लेता हूँ, देखता हूँ दोस्तों मेरा बैकग्राउंड किस में है, वहाँ से मैं बैकग्राउंड को ले लूँगा। आप दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड इसमें ही है डाउनलोडिंग में दोस्तों, हमें यहाँ से बैकग्राउंड लेना है दोस्तों, हम क्या करना है यहाँ से कोई बैकग्राउंड लेकर के हमें इस पर लगा देना है सिंपली से, यहाँ पे देखिए दोस्तों ओके कर देंगे ठीक है दोस्तों। तो मेरा बैकग्राउंड यहाँ पे लग चुका है, आप देख सकते हैं लग चुका है दोस्तों बैकग्राउंड, तो हमें यहाँ से इसको राइट करके सेव कर देना है दोस्तों, जितना एमबी का आप सेव यहाँ से जितना एमबी की चाहिए उतना हम तो यहाँ से कर देते हैं सेव, सेव करना तो हमें यहाँ से काट देना ठीक है दोस्तों। काटने के बाद हमें जाना है पी कार्ड, पी कार्ड में तो आपको आपके पास पी कार्ड तो होगा दोस्तों, अगर नहीं होगा तो आप लोड कर लीजिएगा पी कार्ड प्ले स्टोर से ठीक है दोस्तों। तो हम पी कार्ड को ओपन कर रहे हैं, जो मेरा पी कार्ड ओपन हो जाएगा तो मैं आपको बताऊँगा कि अपने यूट्यूब का साइज कैसे काटे ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ ओपन हो गया मेरा इंटरनेट कनेक्ट कर ला, इंटरनेट कनेक्ट मैं नहीं करूँगा, इंटरनेट में बंद करके देखिए दोस्तों मेरा यहाँ से पिक आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा पिक आ चुका था दोस्तों, हमें इसको काटना है दोस्तों, हमें यहाँ से इसको ओके करेंगे आप देख सकते हैं, और यहाँ से अपना जो YouTube का जो साइज़ है यहाँ से दोस्तों जहाँ तक मेरा YouTube का साइज आ रहा है यहाँ से यहाँ तक लगाएगा, तो मैं अपना पिक को यहाँ से यहाँ तक ओके कर दूंगा दोस्तों। देख सकते हैं आप मेरा YouTube का साइज बन गया है दोस्तों, ये हो गया मेरा YouTube का साइज पोस्टर दोस्तों, आप देख सकते हैं जो बन गया, तो यहाँ से हम सेव कर लेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ सेव लिखा, सेव पर जा करके यहाँ डाउन पे कर देंगे ओके, तो मेरा फोटो सेव हो गया। आपको मैं दिखा दूँ मैं अपना एल्बम में मेरा फोटो सेव हो चुका है, तो मैं आपको फोटो एल्बम जाकर दिखाता हूँ दोस्तों कि मेरा एल्बम ऑलरेडी सेव हो चुका है, यहाँ से हम ओके कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपना पिकअप में जाऊँगा और यहाँ से आपको दिखा दूँ, देखिए मेरा पोस्टर बन चुका है दोस्तों। तो हमें विश्वास है कि आप लोग सीख गए होंगे 3D पोस्टर कैसा बनाया जाता है दोस्तों, मैं एग्जांपल के लिए आपको बताया हूँ, आप लोग अपने हिसाब से अच्छा से बना लीजिएगा दोस्तों, ऐसे ही बनेगा दोस्तों। दोस्तों तब तक के लिए मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत। दोस्तों जाते जाते आपको बता दूँ कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा दोस्तों, लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइए दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों तब के लिए मैं चलता हूँ, जय हिंद जय भारत।